आज हम बताएंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर डे विथ वेरी गुड मूड, अच्छा मूड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए मूड अच्छा होना बहुत जरूरी है और उसको करने के लिए तीन चीजें करनी चाहिए। देखो ऐसा है, हम नॉर्मल इंसान हैं, कोई आप में से भगवान तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कभी मिल लेना। लेकिन नॉर्मल इंसान के लाइफ में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते ही हैं। और कल एग्जाम है, आज कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया जो सॉल्व करना जरूरी है, तो आप कैसे करोगे? और जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे उसको, आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो ठीक से। उसका मूड जो है आपको अटका देता है, और अटके हुए मूड से सटका हुआ काम होता है, सटकेली है ना। तो उसके लिए आपको मूड चेंज करना पड़ेगा। चेंजिंग मूड फर्स्ट थिंग, चेंज योर पोजिशन। जहां बैठे हो, अगर ऐसे किताब लेकर बैठे हो जहां आपको कोई याद आ रहा है, टेक योर बुक, गो टू सम अदर प्लेस, उठ के कहीं और चले जाओ। दूसरी बात, प्रॉब्लम जो है कंसल्ट सम सीनियर्स, आपके किसी रिलेटिव को, सीनियर्स को कंसल्ट करो। दूसरी बात, तीसरी बात, से फाइव थैंक्स, पांच चीजों को धन्यवाद करो। जैसे आप दिल से धन्यवाद करोगे, अपने आप आपका मूड चेंज होने लगेगा। और आखिरी चीज, फॉरगिव अदर्स, जो दूसरों ने आपके साथ किया है उसको क्षमा करो। चार चीज अगर आप करोगे, चेंज द पोजिशन ऑफ योर स्टडीज, जहां आप पढ़ रहे हो वहां से बुक उठाओ कहीं चले जाओ। सेकेंड, टेक हेल्प ऑफ सुपीरियर्स, सीनियर्स। थर्ड, से फाइव थैंक्स, आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, गुड पेरेंट्स, गुड ब्रदर, गुड सिस्टर। एंड फाइव, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू हैव डन टू मी, बिकॉज गॉड इज फॉरगिविंग मी। टू फॉरगिव इज डिवाइन, एंड टू फॉरगेट एंड फॉरगिव इज इवन मोर डिवाइन।